नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो मेरे कल के वीडियो का एक्सटेंशन है, सिक्वल है, पार्ट टू है। और ये मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कल मेरे वीडियो के पोस्ट होने के बाद, ट्विटर फेसबुक पर लिखने के बाद कि बीजेपी जो दावे कर रही है कि मजदूरों को पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, 85% रेल खर्चे वहन कर रहा है, 15% राज्य सरकारें दे रही है, इसके बाद जो वीडियो बनाया और जिससे वो कहानी पलटी और डिफेंसिव पर बीजेपी नेताओं को आना पड़ा क्योंकि मजदूरों से पैसे वसूले गए, तब एक नई थ्योरी गढ़ी गई और ये नई कहानी चली कल दोपहर बाद शाम से। और उस कहानी के जरिए ये कहा गया कि ये जो पैसे लिए गए, अगर कहीं लिए गए तो सिर्फ गैर बीजेपी सरकारों ने मजदूरों से पैसे वसूल लिए, बीजेपी की केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय उसने तो 85% माफ कर दिया, सब्सिडी दे दी, लेकिन कांग्रेस की सरकारें या विपक्ष की सरकारों ने वसूल लिए पैसे। और जमकर शाम को कहानी पलट दी गई, पलट ऐसे दी गई जब पहली कहानी थोड़ी पंक्चर हुई कि मजदूर को पैसे देकर आने पड़ रहे हैं, फ्री में नहीं आ रहे हैं, और वो सब्सिडी का कागज कहां है 85% वाला, वो दिखाइए, तब ये कहानी पलटी। मुझसे भी कुछ लोगों ने ट्विटर पर पूछा, जो आपको कुछ दिखेगा, जो सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ कांग्रेसी सरकारों ने पैसे लिए और इसमें बीजेपी सरकारें नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कह दिया आप थोड़ा रिसर्च करिए, पढ़िए लिखिए, आपको जानकारी नहीं है। फिर वही रेलवे वाला पीआईबी वाला नोटिफिकेशन फिर चिपका दिया मेरी टाइमलाइन पर, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, जिसमें लिखा हुआ किसी विंडो से टिकट नहीं बेचा जा रहा है, ये सब मैं कल समझा चुका हूं, फिर भी पीछे पड़े लोग। तो लगा कि नहीं, आपको समझाना जरूरी है। तो ये क्रोनोलॉजी पार्ट टू है और कल की क्रोनोलॉजी का रिकैप भी आखिर में थोड़ा हम कर लेंगे, जिससे जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा उनको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम शुरू करते हैं दोपहर के बाद से, जब एक कहानी पंक्चर हुई उसके बाद से। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, संगठन महामंत्री बोलते हैं, बीएल संतोष साहब, इनके ट्विटर के बाद भी कहानी दूसरी पलटी और पलटने की कोशिश की गई और पूरा ट्रोल ब्रिगेड, पूरी आर्मी कैसे कवच बनकर सरकार के रेल मंत्रालय के लिए खड़ी हुई, उनको एक फूड फॉर थॉट मिल गया। उनको लगा कि दो घंटे में थोड़े जो हतोत्साहित हुए कि मजदूरों की कहानी आने लगी कि मजदूरों से पैसे लिए गए तो अब क्या करें, तो उनको एक फूड फॉर थॉट मिला कि अपने हिसाब से एक नई कहानी गढ़ने का और जो टोपी ट्रांसफर करने का, वो कैसे हुआ देखिए। और उसके बाद इसका एक एक पहलू बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग अभी भी जानना चाहते होंगे कि रेलवे ने क्या वाकई 85% सब्सिडी दी और वो दी तो किस फॉर्म में दी, और अगर 85% सब्सिडी रेलवे ने दे दी तो हजार 900 रुपए टिकट मजदूरों को कैसे लेने पड़ रहे हैं। इसके बारे में बहुत दिलचस्प, चौंकाने वाली, हैरान करने वाली जानकारी बताऊंगा और आप सोचेंगे और आप खुद तय करेंगे कि क्या वाकई ये सब्सिडी है, क्या वाकई रेलवे की दरिया दिली है। तो पहले वीएल संतोष साहब, इन्होंने 4:16 पर ट्वीट किया, हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश आपको बगल में दिखेगा, जिसमें उन्होंने कहा सिर्फ राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल के मजदूरों से 1000 रुपए लिए गए, कांग्रेस जिन राज्य महाराष्ट्र में सरकार चला रही है पैसे भी वसूल कर रही है और पार्टी फंड से देने का बयान भी दे रही है, क्योंकि सोनिया गांधी बयान दे चुकी थी सुबह कि कांग्रेस की कमेटियां मजदूरों का खर्च वहन करेंगे। हंगामा वहीं से हुआ, उस हंगामे का बैकग्राउंड मैं बहुत कुछ कल बताया, आखिर में एक बार रिकैप कर दूंगा। और उसके बाद दूसरे ट्वीट में भी उन्होंने कहा, बैक टू बैक 4 ट्वीट किए, एक ट्वीट में छिपाऊंगा अभी क्योंकि उस ट्वीट में कुछ कहानी है जो मैं बताना चाहता हूं सब्सिडी के बारे में और जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं, उसको थोड़ा आगे बताऊंगा। उससे पहले बीच के बाकी फैक्ट को काउंटर करता हूं कि ये जो कह रहे हैं वो क्या है और फैक्ट क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, मजदूरों के साथ हुआ क्या है, और ये बीजेपी नेता बीएल संतोष या संबित पात्रा, ये तमाम नेता दावे क्या कर रहे हैं, कहां से दावा शुरू हुआ और कहां तक आया। चलिए, दूसरा ट्वीट उन्होंने कहा, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ने या तो खुद दिया या उस राज्य में दिया गया जहां से चले, फेक न्यूज लोग चला रहे हैं कि मजदूरों से पैसे लिए गए, दूसरा ट्वीट। तीसरा ट्वीट इन्होंने फिर किया, जिन राज्यों में मजदूरों ने काम किया दिन रात उनकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं वो 15% रेलवे 85% तो दे ही रही है, सिर्फ 15% रेलवे ले रही है, उसकी भी वो माफी चाहते हैं, ये गलत है, आप लोग किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचे। ये बीएल संतोष का चौथा ट्वीट है, बीच का एक ट्वीट जैसा कि मैंने कहा उसको मैं रोक रख रहा हूं आगे बताने के लिए। उसके बाद फिर एक बीएल संतोष साहब ने एक ट्वीट, उसी में कंटिन्यूटी में एक ट्वीट है कि ट्रेन का कोई काउंटर नहीं है, ये ट्रेनें राज्यों के अनुरोध पर चल रही है, केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसी सरकारों ने जो भी अनुरोध किया था, और उन्होंने फिर वही पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है वो चिपका दी जिसमें वही लिखा हुआ है, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन,
ये तो सबको पता है कि किसी स्टेशन से टिकट नहीं बिका, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है कि टिकट स्टेशन से नहीं बिका, नोडल ऑफिसर्स के नाम है, नंबर है, लोकल अथॉरिटी है, वहां रजिस्ट्रेशन कराया, मजदूरों ने उनसे संपर्क किया, उन्होंने लिस्ट बनाई, लिस्ट दो राज्य सरकारों के बीच एक्सचेंज हुई होगी और उसके बाद उस लिस्ट के आधार पर, अप्रूवल के आधार पर, स्क्रीनिंग के बाद मजदूर चले हैं और वहीं उनसे टिकट के पैसे लिए गए। तो इसलिए ये काउंटर की बात तो थ्योरी गलत है। आप सब लोग जो बार बार मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे भी ये बताने आ रहे हो तो समझ लो काउंटर नहीं खुला था, मैंने भी नहीं कहा और कोई नहीं कहा। अब आगे आते हैं कि ये जब ये हुआ कैसे, जब उसके पहले सुबह कहानी बनने लगी थी सोनिया गांधी के बयान के बाद, उसको आखिर में करने से पहले एक बार, चूंकि बीएल संतोष ने एक बड़ी बात छेड़ी और उसके बाद सारे ट्रोल, सारी ब्रिगेड मेरे पीछे ही लगी, आप और बहुत सारे पत्रकारों के पीछे लगी और अभी भी ट्विटर टाइमलाइन में कुछ कुछ चिपका के जा रहे हैं, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वहीं पैसे लिए जा रहे हैं और उन सरकारों के नाम कुछ के बीएल संतोष साहब ने बता दिए। अब आते हैं तथ्यों पे जरा। केरला से पटना चली ट्रेन, 900 रुपए वसूले गए, कल शाम मजदूर वहां पहुंचे हैं, करीब 1100 मजदूर। तो ये कह सकते हैं कि केरला सरकार विपक्ष की सरकार है, हालांकि वह नीतीश की सरकार है। बाद में नीतीश ने कहा कि 500 रुपए एक्स्ट्रा मजदूरों को देंगे अगर उनको भाड़ा लगा तो इसका मतलब राज्य सरकारें नहीं दे रही थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, नंबर वन। दूसरा, केरला से धनबाद मजदूर गए, 895 लगा, यहां भी आप कह सकते हैं कि केरला तो विपक्ष का है, उनको देना था, उन्होंने नहीं दिया। नंबर तीन, सूरत से बहरामपुर, सूरत है गुजरात में, गुजरात है बीजेपी की, 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, अब रूपानी जी मुख्यमंत्री हैं। सूरत से जो ट्रेन चली है उस ट्रेन के पैसेंजर को उड़ीसा के लिए 740 रुपए का टिकट लिया गया, सूरत से गुजरात से। बीएल संतोष साहब ने कहा कि गैर बीजेपी सरकारों ने पैसे लिए हैं और बाकी किन लोगों ने क्या कहा, संबित पात्रा ने क्या कहा, ये सब भी बताऊंगा, लेकिन पहले तफसील से, विस्तार से, कान खोलकर, दिमाग देकर सुनिए ताकि ये समझना जरूरी है कि कैसे गलत ढंग से तथ्यों को पेश किया जाता है और उसके बाद आप भ्रम में पड़ते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं कहीं गलत करूंगा मैं फैक्ट करेक्ट करूंगा, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा। उसके बाद नासिक से भोपाल चली ट्रेन, ये शनिवार को पहुंची, इसमें लिया गया 368 रुपए। मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज की, नासिक का फिर महाराष्ट्र के नाम पे टोपी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक कहानी पेच बताऊंगा आगे, क्योंकि इसमें भी एक दाव है, एक पेच है। नागपुर से लखनऊ 505 रुपए लिए गए, नागपुर महाराष्ट्र में, लखनऊ यूपी में, उसमें तो एक नेता ने, जो नितिन राउत ने, उन्होंने कह दिया मैंने 5 लाख रुपए अपनी जेब से दिए, वो कहानी। अब उसके बाद बेंगलुरु से जयपुर 1000 रुपए का टिकट दिया गया, लिया गया बेंगलुरु से जयपुर। अब बेंगलुरु में किसकी सरकार है, और कर्नाटक के एक मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है, जो मैं वेबसाइट पर देख रहा हूं, जिन्होंने कहा था श्रमिकों को अपना खर्च वहन करना पड़ेगा, तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लिया गया। उसका सेतु ऐप से पैसे लिए गए हैं, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि सेवा सिंधु को ऐप है जिसके जरिए ऑनलाइन रिसिप्ट मिल रहा है और उनसे पैसे लिए गए हैं। सूरत बेंगलुरु से जयपुर जाने वाली ट्रेन से 1000 रुपए प्रति सवारी, इस तरह का मैसेज आया है, एक ये। उसके बाद आता है गुजरात के नाडियाड से बलिया, ये कल इंडिया टुडे ने एक्सपोज किया है कि गुजरात के नाडियाड से बलिया जो लोग गए हैं उनसे पैसे लिए गए। उसके बाद ये गुजरात कहां है, किसकी सरकार है, नाडियाड कहां है, किसकी सरकार है, बलिया किसकी सरकार है, यूपी की, बलिया में यूपी में बीजेपी की, माफ करें, बलिया यूपी में है बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, और वो एक वहां से चले, यहां से आए, उनसे भी पैसे लिए गए, ये कहानी हो गई। उसके बाद अहमदाबाद की कहानी कि अहमदाबाद में क्या हुआ और गुजरात से बाकी लोग गए कैसे गए और उनसे कैसे पैसे उनको देने पड़े। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा इस बीच, चूंकि ये कहा गया कि पैसे देने ही नहीं पड़ रहे हैं और मजदूरों को पैसे लग नहीं रहे हैं, तो एक बार मैं थोड़ा 30 सेकेंड 40 सेकेंड चुप रहता हूं और जो मजदूर केरला से पहुंचे हैं कल पटना, जरा उनको आप सुनिए, उससे तथ्य के तौर पर आप समझिए कि पैसे देकर आ रहे हैं या नहीं, और उसके बाद फिर आगे एक एक करके बाकी राज्यों के बारे में बताऊंगा और खास तौर से बीजेपी रूल्ड स्टेट के बारे में, क्योंकि ये अफवाह फैलाई गई, पहले तो ये कि रेलवे दे रही है और 15% राज्य सरकार दे रही है और किसी को पैसा नहीं लग रहा, उसके बाद ये कि सिर्फ गैर बीजेपी वाले ले रहे हैं, अब बताते हैं। लेकिन पहले बिहार का ये जो मजदूर है, जरा आप सुनिए ऑडियो, मैं 30 सेकंड के लिए चुप रहता हूं, यह समझना जरूरी है कि मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, जो 40 दिन से बेरोजगार हैं उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, हर राज्य में वसूले गए हैं, सुनिए। काउंटर खुले थे? टिकट काउंटर नहीं खुला था, अलग से लेके बैठा था, अलग से लेके ऐसे करके बैठा था,
एक आदमी था वो टिकट लेके बैठा हुआ था, सारा आदमी था, बहुत सारा आदमी था, टिकट लेके बैठा हुआ था, पैसा दो टिकट लेते जाओ, कोई प्रिंट करके निकाल नहीं रहा था। चेक इन करके ही दिया ना, चेक इन करते जाओ, बाकी टिकट लिया, पैसा अलग जगह, टिकट एक जगह, उसके बाद ट्रेन में बैठ। तो सुना आपने, अंदाजा लग गया। ये बिहार का न्यूज चैनल है, रीजनल कशिश न्यूज चैनल, उसके अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उसके एडिटर संतोष कुमार हमारे अच्छे मित्र भी हैं। ये आपने सुना कशिश न्यूज के हवाले से कि पटना पहुंचे लोगों को, मजदूरों को टिकट लिया गया। अब एक बार फिर हम गुजरात लौटते हैं। गुजरात बहुत अहम है क्योंकि ये सारे लोग कहानी यही पलटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एक कहानी, उसके बाद दूसरी कहानी, दूसरी कहानी में पेच, अब तीसरी कहानी कुछ आएगा। लेकिन मैं एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा कि रेलवे ने 85% सब्सिडी कैसे दी। बहुत दिलचस्प है ये जानना, ये आगे हम बताएंगे। रियल संतोष जी के ट्विटर पे ही है, उसको मैं पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। अहमदाबाद आते हैं। अहमदाबाद में जो मुंबई, माफ करें, अहमदाबाद मिरर है, अहमदाबाद मिरर ने एक स्टोरी कल की है, उसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस स्टोरी में अहमदाबाद मिरर की एडिटर है दीपल त्रिवेदी, उन्होंने कहा है, लिखा है कि हमने 20 मजदूरों से बात की जो यूपी, उड़ीसा, एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए निकले, अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा से। सबने कहा कि सब पैसे देकर जा रहे हैं, हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ छोड़कर बाकी डेस्टिनेशन के लिए पैसे लिए गए। झारखंड के बारे में पहले भी आई थी कि तेलंगाना से जो पहली ट्रेन चली थी उसमें मजदूरों को पैसे नहीं देने पड़े थे। अब भी आ रही है कि कुछ ट्रेनों के लिए उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है। यहां छत्तीसगढ़ की भी बात आ रही है, लेकिन बाकी जो जगह लोग जा रहे थे मजदूर, उन सबको पैसे देने पड़े, ये दीपल लिख रही है। और उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि बीजेपी दावा कर रही है कि 85% दिया, अहमदाबाद मिरर की जांच से पता चला कि ये सच नहीं है, कम से कम गुजरात में मिरर के पास वीडियो एविडेंस है। ये वो लिख रही है 85% के दावे का कि उनके पास वीडियो एविडेंस है, ये उन्होंने लिखा। अब उसके बाद आते हैं हम, इसी में उन्होंने आगे लिखा है कि मिरर ने, अहमदाबाद मिरर ने जब बीजेपी नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने कहा ये कुछ कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप है। दीपल ने जानने की कोशिश की कि भाई आप अगर फ्री में भेज रहे हैं, 15% आप दे रहे हैं राज्य, 85% केंद्र, तो मजदूरों को फ्री में जाना चाहिए, पैसे कौन ले रहा है, कौन ले रहा है पैसे? क्योंकि बार बार संबित पात्रा कह दिया, अमित मालवीय ने कह दिया, सबने कह दिया, तो पैसे कौन ले रहा है? तो उन्होंने कहा उस बीजेपी नेता ने, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कंफ्यूजन है, और हम आपको 3 घंटे में बताते हैं। बकौल दीपल त्रिवेदी 5 घंटे बाद भी उनका कोई कॉल नहीं आया, जवाब नहीं आया, आउट ऑफ रीच हो गए, गायब हो गए, नेटवर्क से बाहर हो गए, आउट ऑफ नेटवर्क हो गए। उनकी तस्वीर बगल में दिख रही है, एक प्रवक्ता है बीजेपी की, भरत पांड्या, जिन्होंने जवाब देने को कहा था लेकिन जवाब नहीं दिया, ये दिख रहे हैं बगल। उसके बाद उन्होंने लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस अफसर हैं अश्वनी कुमार ने भी उन्हें कहा था जवाब देंगे, कोई जवाब नहीं दिया। आप देख रहे हैं नीचे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये अहमदाबाद मिरर के हवाले से उसी को क्रेडिट देते हुए मैं बता रहा हूं। ये तो हो गया, इन लोगों ने कहा, जिनसे पूछा गया उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब कैसे पैसे लिए गए अहमदाबाद में, फैक्ट के साथ सुन लीजिए गौर से, एक बार सुनना जरूरी है। अहमदाबाद में जो मजदूर वहां से चले हैं, उन मजदूरों से, वहां के विधायक से ही बात हुई है, जो अहमदाबाद के विधायक हैं, कि उन मजदूरों से पैसे 800 रुपए सबसे लिए गए। और जगदीश पटेल एक विधायक हैं अहमदाबाद के, उन्होंने एक चैनल से भी कहा ऑन रिकॉर्ड, और वो मजदूर जौनपुर जा रहे थे। आप जरा सोचिएगा, जौनपुर यूपी में है, योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अहमदाबाद गुजरात में है, बीजेपी की सरकार है। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो तो पैसे दे रही है, फ्री में भेज रही है। तो ये सुनिए, बीजेपी के विधायक हैं जगदीश पटेल, इनसे एक लोकल चैनल के करस्पोंडेंट ने बात की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मजदूरों को 710 रुपए प्रति टिकट देना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मजदूरों के साथ था, और वो अथॉरिटी के साथ करें, देना पड़ेगा। फिर मैं 30-35 सेकंड के लिए चुप रहता हूं ताकि उनकी आवाज आप सुन लें। ये क्रेडिट है लोकल चैनल के रिपोर्टर के हवाले से, जिसने जगदीश पटेल से, बीजेपी के विधायक से बात की है, जरा सुनिए। फिर वो लोग इधर आ रहे हैं, इन लोगों का जो यहाँ से, जैसे इन लोगों का कहना है कि भाई हमसे पैसा लिया जा रहा है, तो उसके मतलब में अगर यहाँ से इन लोगों से पैसा लिया जा रहा है तो उसकी फैसिलिटी भी दी जा रही है कि खाली ऐसे ही हो? इधर से सब लोग पेमेंट करके जाएंगे, इधर पेमेंट नहीं करना है, वहाँ स्टेशन पे जाके उसका पेमेंट होगा, करीब 710 प्लस जो भी। तो आपने सुना जगदीश पटेल साहब,
इन्होंने खुद पेमेंट देके यहाँ पैसे लिए तो ये खास तौर से मैं एड्रेस कर रहा हूँ बीजेपी के तमाम नेताओं मतलब जो पेमेंट देंगे संतोष साहब हो चाहे संपर्क पात्रा हो चाहे मालविया हो चाहे वो तमाम पत्रकार हो चाहे वो तमाम मीडिया के लोग हों जिन्होंने खबर फैलाई सूत्रों के हवाले से और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि कहीं मजदूरों से पैसा नहीं लिया गया। और जब एक भ्रम खत्म हुआ तो शाम को दूसरा भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि मजदूरों से पैसे अगर लिए गए तो उन्हीं सरकारों ने लिए जहां गैर बीजेपी सरकारें। ये भ्रम इसको तोड़ता है ये गुजरात के विधायक का बयान। अब इससे आगे बढ़ते हैं। गुजरात में जिनका जिक्र दीपल त्रिवेदी ने अहमदाबाद मिरर में किया है वो गुजरात के में मुख्यमंत्री के सचिव हैं। उनका एक वीडियो है जिसमें उन्होंने एक गुजराती चैनल को इंटरव्यू में कहा है, मैंने सुना वो वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को अपना पैसा देना पड़ेगा। ये सब दो तीन दिन पहले का है। कहानी देखिए बदली कल है, बदली कब है, जब सोनिया गांधी का बयान आ गया। उसके पहले तो ऐसे ही चल रहा था राम भरोसे हिंदू होटल टाइप का। तो अश्विनी कुमार ने कहा है, वीडियो में नहीं सुना सकता क्योंकि मराठी में है, मुझे उसको डाउनलोड करने में भी दिक्कत हुई, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिखा रहा हूं। अश्विनी कुमार ने कहा है, मैंने खुद सुना है, और उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को अपना पैसा देना पड़ेगा। तो गुजरात तो क्लियर हो गया कि गुजरात से पैसे देकर श्रमिक जा रहे थे और उनसे पैसे लिए गए। अब बात आती है 85% सब्सिडी की कि वो सब्सिडी कहां और किसको दी गई। अब बात आती है 15% राज्य सरकार की। तो एक बात तो पहला किसी को भी दिमाग में आएगा कि अगर आप ये कहते हैं कि नागपुर बेंगलुरु से जयपुर का 1000 टिकट है, या केरल से पटना का अगर आप कहेंगे 905 रुपए टिकट है, या सूरत से बहरामपुर का 740 रुपए टिकट है, तो मेरा सवाल तो ये आएगा ना कि क्या केरल से पटना का अगर 905 रुपए टिकट है, 85% रेलवे ने छोड़ दिया, 15% ही ले रहे हैं, और वो भी कायदे से राज्य सरकार को देना चाहिए, जो राज्य सरकार नहीं कर रही है, नहीं दे रही है, वो एक अपराध कर रही है। लेकिन अभी हम इसी पर रहते हैं। तो 15% अगर 905 रुपए है तो 100% तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, बल्कि 7 से करीब करीब, तो ये लगभग 6000 से ऊपर जाता है। तो क्या केरला से पटना का स्लीपर क्लास का टिकट 6000 है? इसको दिमाग आपको लगाना होगा। क्या केरला से धनबाद का टिकट 6000 है क्योंकि 895 लिए गए? ये दिमाग आपको लगाना होगा। और उनके हाथ में वो टिकट, टिकट सब तस्वीरें दिख रही है, बीजेपी क्या कह रही है, रेलवे क्या कह रही है, और उस टिकट के क्या कहानी, वो भी आगे बता दूंगा मैं। उसके बाद सूरत से बहरामपुर उड़ीसा का 740 लिया गया, क्या ये 4000 रुपए इसके टिकट है स्लीपर क्लास के, जनरल बॉगी के? क्योंकि 15% ही बेईमानी कर रही है ना, अगर राज्य सरकार ने बेईमानी भी की, 85% तो रेलवे दे ही रहा है, क्या इतना टिकट है? नागपुर से लखनऊ 500 लिया गया, तो क्या नागपुर से लखनऊ का जनरल बॉगी का टिकट 3000? ऐसे बहुत सवाल हैं। सवाल आप भी तो अपने भीतर खोजेंगे, अपने भीतर भी तो तलाशेंगे कि अगर 15% भी बेईमानी हो, क्या टिकट इतना था क्या? तो इन सवालों का जवाब हम वापस लौटते हैं, आपके दिमाग में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर ये कहानी क्या है और ये कैसे कहा जा रहा है कि मजदूरों को कहीं पैसे नहीं लिए गए। ये तो मैं आपको साबित करके बता चुका कि मजदूरों को पैसे कर्नाटका में भी लिए गए जहां बीजेपी की सरकार है, मजदूरों से पैसे गुजरात में भी लिए गए जहां बीजेपी की सरकार है। तो इसलिए यहां किसी राज्य सरकार का कुछ नहीं है। उसके बाद एक कहानी आती है कि जब ये टिकट की कहानी आने लगी कि मजदूरों को पैसे देने पड़ रहे हैं और ये फ्री वाली कहानी नहीं है, तब क्या हुआ कि संबित पात्रा साहब जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट किया। मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं, थोड़ा सब रखिएगा क्योंकि फैक्ट के साथ कुछ इधर उधर ना हो। तो संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक ये किया, पोस्ट किया कि कुछ लोग मुझे टिकट दिखाकर या टिकट मुझे टैग कर रहे हैं कि मजदूरों से टिकट लिया जा रहा है। तो फैक्ट तो ये है कि टिकट रेल मंत्रालय ने ये फ्री कर दिया है, बाकी राज्य सरकारों को करना है, नहीं करें। उन्होंने लिखा कि एक सेकेंड होल्ड करिएगा, टिकट वाला मैं पहले ला रहा हूं, होल्ड करिएगा जरा, माफ करिए एक सेकेंड। हाँ, उन्होंने एक टिकट संलग्न किया ट्विटर पर, संबित पात्रा, और इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों ने मुझे, हिंदी बता रहा हूं, कुछ लोगों ने मुझे टिकट पोस्ट किया और पूछा है, क्लैरिफिकेशन पूछा है कि टिकट नहीं बिका तो ये क्या है। ठीक है, ये संबित पात्रा ने कहा। तो उन्होंने कहा है कि श्रमिक स्पेशल हर ट्रेन के लिए 1200 टिकट डेस्टिनेशन पर जो राज्य सरकारें हैं, हैंडेड बाय रेलवे टू स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे ने राज्य सरकारों को दिया है जितने उधर से सवारी को आना था, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ये अमाउंट जो है क्लियर करके टिकट के पैसे स्टेट गवर्नमेंट को
हैंड ओवर टिकट टू वर्कर, मतलब वर्कर को टिकट देना था और स्टेट गवर्नमेंट को ये क्लियर करना था टिकट प्राइस, ये संबित पात्रा साहब ने कहा है। तो यहां तो पहले तो 15% की प्राइस का सवाल नहीं है जो ये है। उसके बाद जो दूसरा है वो दिलचस्प है, क्योंकि सुबह से ये भी थ्योरी चलाई गई कि जैसे एमपी कर रहा है वैसे बाकी राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं। तो संबित पात्रा साहब ने ही एक ट्वीट किया था कि एंड दिस इज हाउ द कांग्रेस रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट कैन पे द 15% फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, 85% बींग टेकन केयर ऑफ बाय द रेलवेज। ये उन्होंने लिखा कि 85% तो रेलवे के द्वारा वहन किया जा रहा, 15% तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट करे जैसे मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और बदले में क्या किया उन्होंने, एक मध्य प्रदेश सरकार का सर्कुलर जो कल का ऑर्डर है, 4 तारीख का ऑर्डर है, वो उन्होंने संलग्न कर दिया। अब उस सर्कुलर में क्या है ये कल मैं बता चुका थोड़ा, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट की तरह वीडियो जा रहा है इसलिए एक बार फिर दर्ज होना चाहिए ताकि सनद रहे। वो कल का सर्कुलर है, ध्यान रखिएगा, कल दोपहर ये सर्कुलर पब्लिक डोमेन में आया। कल का सर्कुलर है जो आईसीपी केशरी है वहां के अधिकारी, उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार सभी मध्य प्रदेश के श्रमिकों को, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जो भी आ रहे हैं उनके किराए का भुगतान राज्य सरकार करेगी। ये कल किया, तब संबित पात्रा साहब जब कह रहे हैं कि जैसे रेलवे, जैसे एमपी सरकार कर रही है वैसे बाकी सरकार करें या कांग्रेस सरकार करें, अब इसमें कहानी बीच में क्या है, ये तो कल का है, बात तो पहले से हो रही है, मजदूर तो 2 तारीख को भी आए। तो क्या हुआ, फ्लैशबैक फिर एक बार जाते हैं, कुछ रिपीट भी हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं एविडेंस है, आप गौर से सुनेंगे तो समझेंगे। 2 तारीख को मजदूर आए शनिवार को, भोपाल पहुंचे नासिक से, और उन मजदूरों से 368 मजदूर आए, 315 रुपए लिए गए सबसे, फ्री में नहीं आए थे। और उन मजदूरों की कहानी ब्रजेश राजपूत एबीपी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने खुद की, उन्होंने मजदूरों से बात की, मैं तस्वीर ब्रजेश की भी दिखा रहा हूं और उस जो जिन मजदूरों से बात की उनकी भी। ये भोपाल पहुंचे नासिक से, अब ये कह सकते हैं महाराष्ट्र ने वसूल लिया, लेकिन महाराष्ट्र ने वसूल लिया तो मध्य प्रदेश ने कोई कोऑर्डिनेशन तो नहीं किया था ना 2 तारीख को, मजदूर तो आ रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन तो होगा कि नासिक से मजदूर आ रहे हैं भोपाल, ये तो पता होगा, अंधेरे में तो नहीं ट्रेन खुल गई चल दी किसी भी दिशा में, किसी भी स्टेशन पर रुकेगी, किसी को नहीं पता होगा कहां से चले कहां उतरे। तो 2 तारीख को मजदूरों का पैसा एमपी गवर्नमेंट ने, एमपी सरकार ने दिया क्या, जब आप कह रहे 4 तारीख को कल के नोटिफिकेशन को, ऑर्डर को दिखा के जैसे एमपी सरकार कर रही है वैसे बाकी सरकार करें, तो कहां किया 2 तारीख को, आए ना मजदूर 368 मजदूर आए 315 रुपए देकर नासिक से, उस समय कहां थी बीजेपी। तो ये बात, तो ये टोटल कंफ्यूजन और क्योस जो है एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर करने के लिए है। यहां आपको इस सर्कुलर से पता चल गया कि देर से बैकडेट में कहानी नहीं हो सकती ना, कि घटना परसों हुई आज आप सर्कुलर जारी करके आप कहेंगे ऐसे हो रहा था, ऐसे नहीं होता, ये हो गया। तो इन सब से ये चीज पता चल गई कि बीजेपी की सरकारों ने भी मजदूरों से पैसे लिए, जिन लोगों ने लिए इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि फ्री में आए तो कैसे लिए, वो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको पकड़िए, जरूरत पड़े उनके खिलाफ FIR करिए कि उनकी मौजूदगी में वो कौन लोग थे जो वहां से जौनपुर जा रहे हैं मजदूरों से पैसे ले रहे थे, उन सबको पकड़िए। जहां जहां से बीजेपी की सरकारें हैं गुजरात में और गुजरात के अलग अलग स्टेशन से जहां से लोग चल रहे हैं और उन्हें 800-900 रुपया देना पड़ रहा है, उनको पकड़ के और उसके बाद सबके खिलाफ FIR करिए, तो मानेंगे कुछ घोटाला हो रहा है। लेकिन ये हो रहा है तो भी आपकी जिम्मेदारी सर, आप लोग जो लोग ट्रोल हैं वो सब समझिए। अब आते हैं फिर कुछ फैक्ट पर कि ये कहानी है क्या। दरअसल ये जो कहा जा रहा है कि सब्सिडी की कहानी वो क्या है, और क्योंकि आप सबकी दिलचस्पी अब सब्सिडी में होगी, तो BL संतोष साहब ने सब्सिडी के बारे में लिखा ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने लिखा, फिर उनके ट्विटर पे आता हूं, जिसमें उन्होंने BL संतोष बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, संगठन महामंत्री बोलते हैं, उन्होंने लिखा कि रेलवे ने 57% रेलवे ऑलरेडी सब्सिडाइज 57% ऑफ पैसेंजर फेयर, रेलवे ने यात्री किराए में 57% की सब्सिडी दे दी है ऑलरेडी, और 1/3 जो है, 1/3 ट्रेन चूंकि खाली जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, बर्थ पे लोग कम जा रहे हैं इसकी वजह से, और उसके अलावा जो खाली वापस लौटेगी उधर से ट्रेन, तो 28% जो रेलवे का ही लॉस होगा उसको भी जोड़ लीजिए, तो 28% और 57% मिला के हो गया 85%। पहली बात अब देखिए, ये तो उस तरह से बात हो गई जैसे शादी में, ब्याह में, मुंडन में, किसी आप घरेलू फंक्शन में, बारात में जाते हैं तो बस बुक करते हैं, इनोवा बुक करते हैं, और इनोवा वाला कहेगा कि लखनऊ से गोरखपुर या देवरिया जाओगे तो वापसी का भी हम लेंगे क्योंकि उधर से हमें पैसेंजर नहीं मिलेगा, और इसी तरह से आप बुक करते, तो क्या बारात में लेके जा रहे थे क्या? ऐसी कैसी बात हो सकती है कि वापस जो ट्रेन आ रही है खाली आ रही है या बर्थ कम है उसका आपने अगर लिया
तो फिर सब्सिडी करके, और ये तो मत कहिए कि मजदूरों को कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि मजदूरों से पैसे भी ले रहे हैं वहां, राज्य सरकार ले रही है, तो ये खर्च किसने वहन किया, क्या इसको सब्सिडी मान लें? उसके बाद 57% सब्सिडी। अब ये चूंकि टिकट का रेट अभी हमारे पास नहीं है और अभी वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा है टिकट का रेट, कि ये जो 1000 रुपए लिए गए, 900 रुपए लिए गए, क्या ये आधा लिया गया, क्या 2200 की जगह 800 लिया गया, ये इसका अभी फैक्ट चेक करना है। लेकिन इसको भी अगर सब्सिडी मानते हैं तो भी नाइंसाफी है, क्योंकि मजदूर 800-900 दे के ही गया। तो एक ये 28% सीधा सीधा इसमें है कि वो बारात की तरह मान रहे हैं और वापसी का ट्रेन का पूरा खर्चा निकाल रहे हैं और वो वहां वसूला जा रहा है, या ये कहा जा रहा है सब्सिडी। अब आते हैं राज्य सरकार की बात, कि राज्य सरकार 15% दे। उनसे पहले एक बात पे आता हूं कि क्या ऐसा कोई कम्युनिकेशन, ऐसा कोई सर्कुलर, ऐसा कोई ऑर्डर राज्य सरकारों को रेलवे की तरफ से गया था? क्योंकि रेलवे ने भी एक इसी बीच रेलवे की तरफ से एक मैं देख रहा हूं एनआई को, रेलवे ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया। रेलवे ने भी यही कहा कि रेलवे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा है, रेलवे का कोई काउंटर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को 15% देना है, रेलवे इज नॉट सेलिंग एनी टिकट्स टू माइग्रेंट्स एंड इज ओनली बोर्डिंग पैसेंजर्स बेस्ड ऑन लिस्ट प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये तो ठीक है कि रेलवे टिकट नहीं बेच रही, आप राज्य सरकार के थ्रू बेच रहे हैं, नोडल ऑफिसर के थ्रू बेच रहे हो, तो पता है, उसमें कहां कंफ्यूजन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 15% ही किराया है क्या? क्या 15% ही, जो मैं पहले सवाल उठा चुका हूं, केरला से 900 रुपए अगर 15% में है तो 100% लेते तो क्या होता? तो इन सारी कहानियों के बाद क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से कहानी बनाई गई वही सच है, जो आपने समझा वही सच है? और उसके बाद कल क्या हुआ था, ये हुआ क्यों, ये इस हद तक बात पहुंची क्यों, कल क्यों सक्रियता अचानक आ गई कि एमपी सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया कि हम फ्री कर देंगे, राजस्थान सरकार ने भी कर दिया, नीतीश कुमार ने कह दिया 500 रुपया हम एक्स्ट्रा देंगे, ये सारी सक्रियता कल क्यों हुई? और कल ही सोनिया गांधी ने सुबह कहा, और कल ही ये सब चीज आ गई, रेलवे की थ्योरी भी आ गई, ये सब पहले क्यों नहीं आया, किसी सर्कुलर में क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि कल सुबह सोनिया गांधी ने 8 बजे के करीब, जब सोनिया गांधी ने पहला ट्वीट किया, जिसमें सोनिया गांधी ने की तरफ ट्वीट नहीं किया, सोनिया गांधी का बयान या ऐलान कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर 8:05 पर आया, जिसमें कहा गया कि जो मजदूर किसी भी राज्य से चलेंगे वहां की कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस उनका खर्च वहन करेगी। और उसके बाद सोनिया के इस बयान के बाद या ऐलान के बाद हंगामा मचना स्वाभाविक था, मचा, क्योंकि ये इस दौर में जब देश में ऐसा माहौल है, कैसे कोई क्रेडिट सोनिया गांधी ले ले, और कैसे वो कह दिया सोनिया गांधी ने। उस खलबली बेचैनी में सबसे अधिक बेचैनी सुब्रमण्यम स्वामी को हुई होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी और सोनिया गांधी परिवार का क्या रिश्ता है, और सोनिया गांधी सबसे अधिक निशाने पर किसी के रहते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी के, केस मुकदमा नेशनल हेराल्ड सब चीजें। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कल, मैं कह चुका हूं लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि क्रोनोलॉजी एक ही वीडियो में रहे, जिसने कल नहीं देखा उसको आज समझ में आ जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने 9:11 पर पहला ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने नाराजगी जताई कि मजदूरों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, मजदूरों से पैसे लेना गलत है, और पीएम केयर फंड से दें चाहे जैसे भी दें, विदेश से लोग ला रहे हैं वो फ्री में ला रहे हैं, तो मजदूरों से पैसे क्यों, ये कहा। उसके ठीक 4 मिनट में उनकी बात हुई किसी से, पीयूष गोयल ऑफिस से, जिससे भी बात हुई, ठीक 4 मिनट के बाद 9:16 पर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि मैंने पीयूष गोयल ऑफिस से बात कर ली है, 85% रेल देगा, 15% स्टेट देगा, मजदूर फ्री में जाएंगे। उन्होंने लिखा कि मजदूर फ्री में जाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, ये उन्होंने लिखा, मजदूर फ्री में जाएंगे या जा रहे हैं, और ऑफिशियल स्टेटमेंट रेलवे क्लेरिफाई कर देगा। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे हैं रेलवे क्लेरिफाई करेगा। क्लेरिफाई करने की बात 2 दिन बाद क्यों आई भाई, 2 तारीख को सारे सर्कुलर, 2 तारीख से ट्रेन चल रही है, 2-3 बीत गया, 4 को जब सोनिया गांधी के बाद क्लेरिफाई कर रहे हैं, लेकिन चलिए। और क्लेरिफाई करना क्या, आप एक ऑर्डर मांगते, सुब्रमण्यम स्वामी तो वकील है, वो कहते कि दिखाओ कौन सा ऑर्डर, कौन सी सब्सिडी, क्या फॉर्मूला है, कागज दिखाओ, कागज दिखाने कागज मांगने का दौर है, लेकिन कागज आया नहीं, ये उन्होंने कहा। उसी के बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जिसमें संबित पात्रा साहब ने 9:12:25 पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने वही कहा, और उसी पीआईबी का एक जो रिलीज है जिसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन, वो ऐड कर दिया। यही एक कवच सबको मिला,
वो पीआईवी का की प्रेस रिलीज में नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन, ये कवच की तरह लगा कि भाई रेलवे तो करी हम टिकट बेच ही नहीं रहे। तो इसी कवच को फैलाकर, इसी को रक्षा कवच बनाकर लोगों ने बचाव किया। संबित पात्रा ने लिखा, संबित पात्रा साहब के लिखने के बाद, और उन्होंने सवाल भी उठाया उनके लिखने के बाद, और उन्होंने कहा कि कोई टिकट नहीं लिया जा रहा, और रेलवे और राज्य सरकार की वही बात जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कही। उसके बाद जो बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय हैं, उसके बाद अमित मालवीय साहब ने ट्वीट किया 11:00 पर। उस ट्वीट में अमित मालवीय ने भी उन्हीं चीजों को दोहराया जो संबित पात्रा कह चुके थे। अब जरा अमित मालवीय ने क्या कहा एक बार वो भी मैं बता देता हूं, चूंकि ये सब लोगों ने पहले तो ये कहा ना कि मजदूरों से पैसे ही नहीं लिए जा रहे हैं, राज्य सरकार दे रही है 15%, बाकी दे रही है केंद्र सरकार, और मजदूर फ्री में आ रहे हैं। ये फ्री में नहीं आ रहे हैं, इसकी कहानी जब खुली तब इन्होंने टोपी ट्रांसफर किया कि ये हमारे राज से तो फ्री में आ रहे हैं, ये गैर बीजेपी राज्य है वो पैसा वसूल रहे। तो अमित मालवीय ने लिखा, ये इनका ट्वीट है, कि श्रमिकों को किराया नहीं भरना है, किराया का 85% केंद्र, 15% प्रदेश देंगे। और उसके बाद सोनिया गांधी की लानत मलामत की, इटली भी ले आए क्योंकि इटली के बिना काम चलता नहीं है कुछ। और उसके पहले एक जो इनका ट्वीट है अमित मालवीय का, उस ट्वीट में भी, ये इस ट्वीट में भी अमित मालवीय ने वही किया है। ये जो मैं इसका टाइम वैसे कल भी बता चुका, फिर बता दूं, 11:02 का ट्वीट है। इसमें उन्होंने फिर वही गाइडलाइन ऐड किया था, नो टिकट्स टू बी सोल्ड एट एनी स्टेशन। फिर यहां वही बात, एक ऐसी चीज इन्होंने पकड़ी अपने बचाव में और उसमें असली चीज छुपाते रहे। चलिए उसी में इन्होंने फिर वही सब्सिडी की कहानी, और एक लिखा हुआ माइग्रेंट्स डोंट पे, एकदम मी लॉर्ड ने बोल दिया कि माइग्रेंट्स पैसे नहीं दे रहे हुजूरे आला। और उन्होंने ये भी लिख दिया, व्हाई डज नॉट सोनिया गांधी आस्क कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट्स टू पे, मतलब ये कि सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट पैसे ले रही है। क्या इनको नहीं पता था अमित मालवीय को कि गुजरात में पैसे लिए गए? क्या इनको नहीं पता था कि मध्य प्रदेश ने सर्कुलर कल ही जारी किया? क्या इनको नहीं पता था कि कर्नाटका में मजदूरों को पैसे लिए जा रहे हैं? लेकिन कहानी बदली, बदलने की कोशिश हुई और आप सब लोग उस भ्रम में आए, और उसके बाद लगा ये तो यही सच है, ये तो बीजेपी कर रही है, केंद्र का मंत्रालय भी 85% दे रहा है, और बीजेपी सरकार जहां है वहां से कुछ लिया नहीं जा रहा है, सब गड़बड़ी तो कांग्रेस और विपक्ष के उसमें। ये अमित मालवीय का ट्वीट, और उसके बाद की कहानी मैं आपको बता चुका। अब यहां ये हुआ कि बीएल संतोष साहब ने जब लिखा तो उनको कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया, और उनको कुछ लोगों ने कहा भी, एक कोई ट्विटर हैंडल है मुंबई का, उसने भी कहा कि आप बेंगलुरु में पैसे लिए जा रहे हैं, आप माफी मांगिए अपनी गलत बयानी के लिए, नहीं तो हम आप पर मुकदमा करेंगे। कोई लीगल ट्विटर हैंडल है न्याय सहाय करके, उन्होंने लिखा कि चेतावनी विधि की कर्नाटक से जाने वालों को ₹800 कर्नाटक से जाने वालों ने पे किए हैं, हम आपको टिकट की कॉपी दिखा देंगे, आपके खिलाफ मजदूरों का इंसल्ट करने का अपराध का मुकदमा भी करेंगे अगर आप माफी नहीं मांगे तो। ये उन्होंने लिखा कोई टाइमलाइन पे मैं देख रहा था। अब इतनी कहानी मैंने आपको बता दी, अब आप तय कर लीजिए कि इस कहानी में कि क्या मजदूरों के साथ इंसाफ हुआ, क्या मजदूर फ्री में जा रहे थे, क्या मजदूरों का टिकट माफ था, क्या मजदूरों से 85% रेलवे ने फ्री कर दिया और 15% स्टेट ने फ्री कर दिया, और क्या ये 85% रेलवे की सब्सिडी का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला कल मुझे लगता है निकाला गया होगा, जोड़ जाड़ के 85% पहुंचा दिया गया, पता नहीं 28% कैसे जोड़ा, टोटल कैलकुलेशन तेल मोबिल खर्चा बर्थ सब जोड़ा होगा पूरा कैलकुलेटर के साथ, और वैसे बारात की तरह जो वापसी का भी लेते हैं वैसे उन्होंने जोड़ दिया उसमें 28% और 57% करें हमने टिकट कम कर दिया, ₹1000 फिर भी ले रहे हैं, तो इसका तो अभी एक पार्ट का हिसाब थोड़ा बाकी है, लेकिन 28% और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से वसूला जाना, और उसके बाद बीजेपी रूल्ड स्टेट में वसूला जाना, और इन सब की कोई क्लैरिटी पहले नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन पहले नहीं था। एक ही कम्युनिकेशन था जिसको मैं कल भी दिखा चुका, जो रेलवे का नोटिफिकेशन है 2 तारीख को, जिसमें 11 नंबर पॉइंट में सी में नीचे लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें लिस्ट बनाकर रेलवे को देंगी पैसेंजर लिस्ट, कोई टिकट बेचा नहीं जाएगा, राज्य सरकारें टिकट का फेयर रेलवे को सौंपेगी, ये उसमें लिखा हुआ है। तो ये तो था कि रेलवे को पैसे राज्य से लेना था, अब राज्य मजदूर से ले रही है ये राज्य ने शुरू कर दिया, इसका कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए था ऑफिशियल कि राज्य खुद दे मजदूर से ना ले, इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और ये कम्युनिकेशन मान ले कि कांग्रेस सरकार वाले उसमें राज्य में या गैर बीजेपी में नहीं है, वो बेईमान निकले, वो कंजूस निकले, उन्होंने नहीं खर्च किए, ये मान ले, लेकिन बीजेपी वालों को तो पता होता, रूपानी साहब की सरकार को तो पता होता, कर्नाटक को तो पता होता कि भाई आपको कुछ नहीं लेना है,
15% आपको देना, 85% हम दे रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं पता था। मुख्यमंत्री के सचिव को नहीं पता, विधायक को नहीं पता, मंत्री को नहीं पता, और रवानगी हो रही है मजदूरों से पैसे लेकर 1,800-1,900 रुपए, और उसके बाद आप बयान दे रहे मजदूर फ्री में आ रहे हैं। पहले आपने कहानी दी दूसरी, उसके बाद कहानी। तो मेरे पूरे क्रोनोलॉजी से उम्मीद है, 31 मिनट का वीडियो हो गया, खत्म करते हैं। पूरी क्रोनोलॉजी मैंने समझा दी है, अगली बार जब इस तरह की खबरों से आपका वावस्ता हो तो ध्यान रखें, आधी हकीकत आधा फसाना। पर इस बात को यहीं खत्म करते हुए, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करें, मैं जहां गलत करूंगा मुझे सुधारें, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन बेपरवाह बिंदास होकर कल को यही स्थिति अगर कांग्रेस के लिए होती तो भी करूंगा। और एक बात जाते जाते इतना जरूर कह दूं कि सोनिया गांधी ने भी राजनीति की, वरना जहां उनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, वहां वो पहले उनको माफ करना चाहिए था। भिवंडी और नागपुर से पैसे देकर मजदूर क्यों चले, महाराष्ट्र से क्यों चले मजदूर पैसे देकर मुंबई, भिवंडी, बसई, कहीं से भी? तो ये सोनिया गांधी को पहले करना चाहिए था, लेकिन सबने दाव खेला। सोनिया गांधी ने भी राजनीति की, उसके पहले नितिन राउत जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी। उस पर भी ट्विटर पे मैंने उनको सवाल पूछा था परसों कि भाई अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मजदूरों का किराया माफ करने की बात कर रहे हो, बात कर लो, फोन उठाओ, बात करो। लेकिन पता है कि क्या स्थिति है, सब राजनीति कर रहे हैं। बाद में उन्होंने आधी रात को पीयूष गोयल को चिट्ठी लिख दी, सुबह सोनिया गांधी ने ऐलान ही कर दिया। तो ये सारी कहानियां सबने राजनीति की, लेकिन एक झूठ तो पक्के तौर पर कि मजदूरों ने पैसे दिए, मजदूरों को सब्सिडी का फायदा नहीं मिला। रेलवे की सब्सिडी के इस फॉर्मूले में लोचा है, ये कन्विंसिंग नहीं है। आप वापसी के खाली रैक का भी, खाली बोगी का भी उससे पैसा वसूल रहे हैं, और उसके बाद उसको सब्सिडी में काउंट कर रहे हैं या खर्च वहन करने में काउंट कर रहे हैं, ये सारी इसमें चूके हैं। फिलहाल हम अपनी बात को यह खत्म करते हुए कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। जब भी फिर ऐसी कोई खबर होगी मैं अपनी बात आपको जरूर कहूंगा। फिलहाल नमस्कार।